नगर परिषद चुनाव के नामांकन प्रक्रिया की सरगर्मियां अंतिम दिन भी जारी रही। अपर तहसीलदार कार्यालय बेटमा में शनिवार को नाम निर्देशन पत्र के अंतिम दिन कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय सहित कुल 23 प्रत्याशियों ने अपने निर्देशन फार्म जमा किए हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए सभी 15 वार्डों के लिए फार्म जमा करने के अंतिम समय तक बेटमा नगर परिषद के लिए कुल 59 प्रत्याशियों के फार्म जमा हो चुके हैं, जिसकी समीक्षा 20 जून को होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 जून है, जिसके बाद सभी वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस भाजपा द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद सभी 15 वार्ड के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन जमा करने हेतु शनिवार का दिन आखिरी होगा। सुबह से ही गहमागहमी रही और टप्पा कार्यालय पर अच्छी भीड़ भाड़ देखने को मिली। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। दिन था तो कितने क्या आवेदन हुए, अभी तक टोटल कितने क्या हुए, कुछ थोड़ी जानकारी। आज नगर परिषद निर्वाचन के नॉमिनेशन लेने का अंतिम दिवस था, जिसमें नगर परिषद बेटमा में आज कुल 23 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 9 पुरुष और 14 महिलाएँ, टोटल 23 नाम निर्देशन पत्र अपने पास प्राप्त हुए हैं। और कुल मिला के अभी तक 59 नाम निर्देशन पत्र पूरे 15 वार्डों में विभिन्न पार्टियों दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे ज़्यादा नाम निर्देशन पत्र अपने यहाँ वार्ड नंबर 12 में 7 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं, और वार्ड नंबर 6 और 11 में सिर्फ 2-2 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। सर, अब ये इनकी जो नाम वगैरह की लास्ट डेट वगैरह क्या रहेगी और क्या प्रक्रिया रहेगी? ये जितने नाम निर्देशन 59 अपने को प्राप्त हुए हैं, उनकी समीक्षा 20 तारीख को 10:30 बजे से यहीं पे प्रारंभ होगी। 20 तारीख को इनकी समीक्षा में जितने नाम निर्देशन पत्र वैध पाए जाएंगे, फिर उनकी नाम वापसी वो लोग 22 तारीख तक कर सकते हैं। 22 तारीख को 3 बजे नाम वापसी की अंतिम तिथि, 22 तारीख को 3 बजे फाइनल उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। चुनाव चिन्ह का आवंटन भी उसी दिन हो जाएगा? 22 तारीख को 3 बजे के बाद फिर चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। ठीक सर, आपका नाम बताओ। भास्कर गाचले, तहसीलदार भोपाल। ठीक सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।